ना, बहुत इंतजार करने के बाद वो दिन आ ही गया है कि मैं आपको अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाऊं। फिलहाल तो मैंने सामान बिस्तर में रख दिया, दो ये भी हैं। तो सासू जी ने बोला और चीज वगैरह, सबसे पहले आ जाती मैं अपने बड़े वाले हार पे जो कि हमारे पास, और यहाँ पे करती हूँ अपने हार की अनबॉक्सिंग। और ये सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से। और सामने का नजारा ना कितना प्यारा लग रहा, और इस साइड से ये सरसों के फूल आए हैं। हमारे खेतों में ना अभी से सरसों हो गया आए है, कितना प्यारा लग रहा। मेरे मायके में अभी तक सरसों बोया ही नहीं हमने, बट यहाँ हमने उस टाइम बो दिया था जब मैं यहाँ से मायके नहीं गई थी एक महीने पहले, तो तब ऐसे हो रखा सरसों। और बीच बीच में ना गेहूं के पौधे भी हैं कुछ कुछ छोटे छोटे, तो अभी तो ये लवाई करने के लिए भी नहीं होते, निकालने के लिए भी नहीं होते। निकालने के लिए तब होंगे ये सब जब मतलब हम गांव से वापस आएंगे डांडा। फिलहाल तो एक महीने बाद डांडा से गांव जा रहे, फिर जब वापस आएंगे तब होंगे ये सब लवाई करने के लिए। तो और चीज़ें भी दिखाती हूँ मैं आपको। आजकल पहाड़ों में ना कहीं सरसों के पीले फूल हो रखे और कहीं मार्च हो वगैरह, कितना प्यारा लग रहा है। ये चूहा हरा लाल पीला जो भी है, और सामने पे हमारी छीमियाँ भी होने लग गई। यहाँ पे भैंस भी लगी है लड़ाई करने में अपने बच्चे के साथ। यहाँ पे हमारी फूल जैसी गोभी हो रखी, ये देखो कितने प्यारे लग रहे, बिल्कुल गुलाब की फूल की तरह। ये अब आपको पता है अब इनमें ना गोभियाँ आने भी शुरू हो गई इन गोभियों को। ये देखो ये बहुत सारी गोभियाँ लगी हैं इन गोभियों को ना, पिछली बार में इनके पत्ते खोल रही थी। ये देखो आई है यहाँ पे ना हमारी इतनी सारी गोभियाँ हो रखी, अब गोभियों का बिजनेस खोलना पड़ेगा शायद से, आराम से बेचनी पड़ेगी गोभी, पूरे खेत में गोभी गोभी उगानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं हो सकता। तो आज का काम यही था मेरा, और खाना तो हमने खा लिया सुबह। पता है मैंने सास जी को बोला था कि घास के ले जाते हैं, बट उन्होंने बोला घास के लिए शाम को चलेंगे, अभी नहीं। अभी तो मतलब कल रात बारिश हुई थी ना हल्की हल्की, अभी थोड़ा सा यहाँ पे वो क्या बोलते गीला हो रखा इधर उधर, फिर शाम को चलेंगे जब सूख जाएगा। मैंने कहा ठीक है, बट मैं तब तक क्या करूँ मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। वीडियो कैसे क्या आपको आज मैं अपना गोल्ड कलेक्शन दिखा दूँ? हाँ यार, आज यही करती हूँ, आपको ना अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाती हूँ, ठीक है? वीडियो में बने रहना। और ये है मेरे शादी वाले चूड़े, और ये माता रानी की चूड़ियाँ हैं जो कि मुझे मंदिर से मिली थी, और ये सावन के महीने की हैं ये। और ये भी चूड़े मेरे हैं, ये बडाली वाले चूड़ियाँ हैं। फिलहाल तो मैंने सामान बिस्तर में रख दिया, दो ये भी हैं इस साइड को, और एक ये भी है यहाँ पे, ये रख दिया यहाँ पे। चोरी मत करना यार प्लीज, जो भी है। इंतजार करने के बाद वो दिन आ ही गया है कि मैं आपको अपना गोल्ड कलेक्शन दिखाऊं। तो आज दिखाने वाली हूँ मैं आपको अपना गोल्ड कलेक्शन। यहाँ पे ना सबसे पहले ये रहा, मैंने ना बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया, दिखाना है कि नहीं दिखाना है। सासू जी की ओर से तो मना है, बिल्कुल मना है अभी तक भी कि मत दिखा, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाई देती, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो बहुत बनाए हैं मेरा गोल्ड कलेक्शन ये वो आपको बाद में दिखाऊंगी, मतलब जो भी है सब कुछ बता रखा कि बाद में दिखाते आपको। तो लाइट भी आ गई, अभी लाइट गई थी यहाँ पे ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको दिखाई देती हूँ। तो टाइम वेस्ट भी क्या करना ना, जब तक सासू जी खेत से ना आए मैं आपको जल्दी जल्दी से
दिखा देती। सबसे पहले आ जाती मैं अपने बड़े वाले हार पे, जो कि हमारे पहाड़ों में ना देना कंपलसरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं होता। ये चाहे अमीर हो चाहे गरीब भी हो, कितना इसको देना जरूरी होता है। तो इस पे यहाँ पे करती हूँ अपने हार की अनबॉक्सिंग। और ये डिब्बा ना मैंने अपने यहाँ के सुनार से लिया था, क्योंकि यहाँ का डिब्बा थोड़ा सा छोटा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपने यहाँ वाले सुनार से न्यू डब्बा ला के आई थी। और ना ये रहा मेरा हार, टन टना, ये देखो अबे नीचे गिर गया। ये है मेरा हार, दिखाती हूँ आपको, एक मिनट हाँ। इसको बंद करके ना साइड में रख देती। और फिर रही नथ की बारी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मेरी नथ, मुझे ही क्या मेरे सारे दोस्तों को भी अच्छी लगी। और बहुत सारों ने ये पूछा कि ये नथ आप कहाँ से लाई, बट ये नथ मेरे मामा जी और उनकी तरफ से गिफ्ट आ रखा, और वो ससुराल वालों की तरफ से वो हार। ये देखो मेरी नथ छोटी सी है पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, छोटू सी नथ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, सबको पसंद आई ये नथ। ये अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आपने ये नथ कहाँ से ली, आपने ये नथ कहाँ से ली, बताओ शादी के बाद ना, कमेंट करके बता रहे थे। मैंने बोला मेरे मामा लाई ये नथ चंडीगढ़ से। ये इसको भी रख देते साइड में। और अब है टीका की बारी, यानी कि मान टीका, ये जो कि मेरी दीदी लाई मेरे लिए, मतलब दीदी ने दिया था गिफ्ट। ये मेरा मान टीका, मेरी दीदी ने दिया गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, ये देख सकते हैं आप। ये सारी सामान ना मेरे ही पसंद के हैं, ये भी मेरी दीदी ने लिया था, बट पसंद मैंने किया इस मान टीके को। और इतने कुछ दिखा दिए, इतने कुछ तो क्या हार मांटिका और नथ दिखाई, अब है झालर की बारी। ये कान के कुंडल, ये जो कि हमारी गढ़वाली भाषा में इनको झालर बोलते, ये रहे। और ये भी मेरे ना ससुराल की तरफ से आया था बडाली में, ये झालर भी। और अब रही अंगूठी की बात, ये अंगूठी, ये भी ससुराल वालों की तरफ से आई थी, ये बट जो मेरे हाथ पे ऐसी हो रही है ये देखो, उस दिन मैंने नाल माना था हाथ पे, ये किसी में नहीं आ रही, इसमें भी ऐसी हो रही, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये अंगूठा पे नहीं, अंगूठा के लिए सही है बट अंगूठा पे नहीं पहन सकते हम इसको, इसको भी रख लेते साइड में। अब बताती हूँ कि मेरे पति ने क्या दिया मेरे लिए गिफ्ट। मेरे पति ने दे रखा ये छोटा सा मंगलसूत्र, ये मेरे पति ने दे रखा, बहुत ही प्यारा है, मुझे तो सबसे अच्छा लगा ये। और ये भी ना मेरे पति ने, मतलब जब सुनार की दुकान में गए थे, बोला कौन सा वाला चाहिए, तो मैंने इसके लिए बोला कि ये वाला मंगलसूत्र चाहिए मुझे, तो ये वाला लाए। तो ये तो मैंने बहुत बार पहना भी रहता, आपने देखा होगा वीडियो में, तो आप लोगों की कृपा रहेगी तो मैं बड़ा वाला भी लाऊंगी आप लोगों के सपोर्ट से। इसको भी साइड में रखते। और आपको पता है मेरी सास ने क्या दिया मुझे गिफ्ट, मेरी सास ने दी मुझे ये माला गिफ्ट, सास ब्यूट लगाई, और इसको पहनूंगी मैं गले में, क्योंकि डेली यूज के लिए मैंने यही माला पहनी रहती, नहीं लग रही। बस डेली यूज के लिए इसी को पहनती मैं, इसको क्या और भी पहनती हूँ। और ना ये गोल्ड की है कि आर्टिफिशियल है, कमेंट करके जरूर बताना है, बट मेरी लास्ट माला यही है गोल्ड की। अब आप भी कमेंट करके बताओ गोल्ड की है या आर्टिफिशियल। ना यहाँ पे गोल्ड कलेक्शन वाली वीडियो इंड होगी, अब है चांदी कलेक्शन।
तो ये पायल दे रखी है मेरी मम्मी ने, बहुत ही प्यारी है। एक घुंघरू ऊपर को है इस पे, मतलब है नहीं अभी, हो रखा ये, सही कर देती मैं। आई हाय जो पायल ना मैं मार्केट जाने के लिए पहनती, छन छन ना ना ना। ये है उसके साथ की दूसरी, ये बिछुआ है, बिछुए मतलब। और भी थे यार, और वाले कहाँ गए, और भी तो थे, एक पता नहीं एक जोड़ी कहाँ गई, कहाँ डाली मैंने। और इसमें है पायल, ये है दो जोड़ियाँ, ये है ये पायल दो जोड़ियाँ, छन छन ना 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 ना। पहनूंगी यार मैं इनको भी, पहनती ही नहीं मैं, पता नहीं क्यों, पर क्यों पहनना ना जब और पहन रखी है, नहीं क्यों करूं गंदी। और एक पायल ये है बारीक वाली, ये चांदी, ये भी चांदी की है। और ना इसमें से चार पांच जोड़ी पायल मैंने मतलब किसी को दे दी, वो बताऊंगी नहीं कि किसको दी, क्योंकि दिया और लिया हुआ माल ना बताते नहीं है कि किसने दिया किसने लिया। तो कुछ कुछ माला भी मैंने प्राइवेसी कर रखी, उसको भी बताऊंगी टाइम आने पे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं उन सपोर्टों से अपना एक अच्छा सा ड्रीम पूरा करूं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़रूर बना रहेगा, और चीज़ें भी दिखाती हूँ शादी। और ये रहा मेरा शादी का जोड़ा, जोड़ा ही बोलते हैं हाँ, कितना प्यारा लग रहा ना, गुलाब वाला, छन छन ना ना, क्या मस्त फीलिंग। और इसमें ये इसके साथ का वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाने वाला जिससे जोड़ा चौड़ा हो जाता। और ये मैंने तोड़ दिया था शादी के दिन, ये रहे मेरे कलीरे, हाथ मेरे छुड़ ले लग, अपने उस दिन पहनूंगी, अब करवा चौथ के दिन लगाऊंगी इन सबको। अब ना अपने करवा चौथ के दिन लगाऊंगी इसको, करवा चौथ के दिन। हाय पर इस पर सिलिकॉन जैसे क्यों आ रहा। अब आप ना मेरी करवा चौथ वाली वीडियो का वेट भी करना, क्योंकि ना उस दिन मैं प्योर दुल्हन के लुक में आऊंगी, और आपको ना मैं अपना गोल्ड कलेक्शन भी गोल्ड कलेक्शन तो खैर दिखा दिया, बट अब ना एक दो दिन में मैं आपको मतलब साड़ी वगैरह जो भी है सूट साड़ी कलेक्शन भी दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी आप सबके लिए। तो दोस्तों ना मुझ जैसे गरीब के जेवर तो आपने देख लिए होंगे, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड टाटा बाय।